नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे का स्मार्ट रिवीजन क्लास। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्मार्ट रिवीजन। लगातार मैं वेस्टर्न आर्ट का रिवीजन आपको करवा रहा हूं और आप लोग उसको कर भी रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि थोड़ी बहुत जो रुचि है वेस्टर्न आर्ट में आप लोगों की कम हो रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि आपने वेस्टर्न आर्ट पढ़ा ही नहीं है। अगर आपने वेस्टर्न आर्ट की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये रिवीजन आपके काम नहीं आने वाला है। इसलिए थ्योरी पढ़िए, और थ्योरी किसी किताब से आप पढ़ सकते हैं, किसी टीचर के नोट्स से पढ़ सकते हैं। मेरा भी कंप्लीट नोट्स तैयार है, अगर आप चाहें तो उसे बुक कर सकते हैं, या मैं कंप्लीट पढ़ाता हूँ जो है वेस्टर्न आर्ट अपने पेड क्लास में, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए 9616 82 76 46 पर संपर्क करिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है, ठीक है ना। तो अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, कला की थ्योरी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं या नोट्स बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं टेस्ट कराता हूँ संडे, एक टारगेट बेस्ड टेस्ट होता है। सोमवार को बता दिया जाता है कि टॉपिक कौन सा होगा, फिर आने वाले संडे को टेस्ट होता है, यानी कि पूरी तैयारी हो जाती है और उसके बाद में टेस्ट में परफॉर्मेंस देखा जाता है, और परफॉर्मेंस में जो कमियां रह जाती हैं उसका सुधार किया जाता है। तो उस टेस्ट को भी अगर आपको ज्वाइन करना तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं। पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी, इंग्लैंड, इटली या फ्रांस? पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली, ठीक है ना। पुनरुत्थान या पुनर्जागरणकालीन कला का जो केंद्र था वो इटली था। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या जर्मनी? पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है 1400 से लेकर के 1480 ईस्वी, 1410 से लेकर के 1490 ईस्वी, 1420 से 1500 ईस्वी, 1430 से लेकर के 1510 ईस्वी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1420 से लेकर के 1500 ईस्वी। आगे देखेंगे, मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, स्वच्छंदतावाद की, यथार्थवाद की या उत्तर प्रभाववाद की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनरुत्थानवाद की। अगला सवाल देखेंगे, पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पर, मूर्तिकला पर, स्ट्रेसिज्म पर या प्रभाववाद पर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मानवीयता पर। आगे देखेंगे, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? रोम को, लंदन को, पेरिस को या हेग को? न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम को। आगे देखेंगे, पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया चिमाबू ने, दुचियो ने, जियोते ने या बोतिचेल्ली ने? पुनर्जागरण कालीन चित्रकला को किसने जन्म दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जियोते ने। आगे देखेंगे, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? जियोते, बारदे, टिसियन या लियोनार्डो दा विंची? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जियोते। आगे देखेंगे, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से लेकर के 1517 या 1510 से लेकर के 1537 ईस्वी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 से लेकर के 1517 ईस्वी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का क्या नाम है बताइए। आप जो चित्रकार इसमें दिए गए हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा उच्च पुनर्जागरण काल का है? जियोते, फ्रांजेलिको, बेतिचेल्ली या रैफेल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैफेल। आगे देखते हैं, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? फासिज्म के समय में, घन चित्रण के समय में, पुनर्जागरण काल के समय में या आभास चित्रण के समय में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुनर्जागरण के काल में। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, पुनर्जागरण के काल में। आगे देखेंगे, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? रैफेल के द्वारा, एलग्रिकी के द्वारा, माइकल एंजेलो के द्वारा
या लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। तो सिस्टीन चैपल में चित्रण का कार्य किसने किया है, भित्ति चित्रण का कार्य किसने किया है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो, द ग्रेट माइकल एंजेलो ने। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है वान गॉग, पाल सेजा, रेम्ब्रा या माइकल एंजेलो। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। आगे देखेंगे सिस्टीन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनाया, राफेल ने, माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो ने या कांस्टेबल ने। सिस्टीन चैपल की छत पर आदम की उत्पत्ति नामक भित्ति चित्र किसने बनाया, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो ने। आगे देखेंगे द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची, बेतेसिल्ली, माइकल एंजेलो या रेनवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। आगे देखेंगे माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी। अब ये सवाल जो है आपके 2021 के पेपर में आया था कि डेविड की मूर्ति बनाई कब थी माइकल एंजेलो ने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं आपके एग्जाम में, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 17 फुट, 15 फुट, 10 फुट या 22 फुट, आपको बताना कि उसकी ऊंचाई कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 17 फुट। तो माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 17 फुट है। आगे देखेंगे माइकल एंजेलो की डेविड की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है, रोम में, फ्लोरेंस में, मिलान में या वेनिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरेंस में। आगे देखेंगे माइकल एंजेलो थे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार या तीनों। तो ये बहुत ही महान आत्मा थे और ये तीनों थे, चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, ये तीनों थे। आगे देखेंगे माइकल एंजेलो किस रूप में प्रसिद्ध थे, चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक या संगीतकार। अब यहाँ पर इस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़े चित्रकार भी थे, भित्ति चित्रण उन्होंने सिस्टाइन चैपल की छत पर किया है, लेकिन वो मूर्तिकार थे, विशेषता क्या थे, वो मूर्तिकार थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी था, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या जियोवेनी। सही आंसर क्या हो जाएगा, माइकल एंजेलो। आगे देखेंगे एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म किस चित्रकार की कहानी है, विंसेंट वान गॉग की, पाल सेजा की, माइकल एंजेलो की या एम एफ हुसैन की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो। आगे देखेंगे प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर अंतिम भोज का चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल सेंजियो या अल्बर्ट ड्यूरर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। आगे देखेंगे लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक का नाम क्या था, कौन थे उनके शिक्षक, बेरेशियो, आंद्रे मांतेगना, बर्निडो सेंजियो या सांद्रो बेतेसिल्ली। आपको बताना है कि लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे, बहुत ही सिंपल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेरेशियो। आगे देखेंगे द वर्जिन ऑफ रॉक्स के चित्रकार हैं माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल या फ्रा एंजेलिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। आगे देखेंगे लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है अंधी घाटी का। तो लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र है अंधी घाटी का युद्ध, मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनालिसा, बहुत ही फेमस उनका चित्र है। आगे देखेंगे शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया था, राफेल ने, नंदलाल बोस ने, जामनी राय ने या लियोनार्डो दा विंची ने। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। आगे देखेंगे मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्रण किसके द्वारा हुआ, लियोनार्डो दा विंची, टर्नर, ड्यूरर या राफेल। मैरिज ऑफ द वर्जिन का चित्रण किसने किया है, इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, राफेल ने। आगे देखेंगे यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है, माइकल एंजेलो को, जियोर्जियान को, लियोनार्डो दा विंची को या राफेल को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राफेल को, ठीक है ना। तो राफेल को क्या कहा जाता है, जो है डिवाइन पेंटर कहा जाता है। मोनालिसा चित्र किसने बनाया, राफेल ने, मोने ने, लियोनार्डो दा विंची ने, फ्रा फिलिप्पो लिपी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची ने। नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है, तो बहुत ही सिंपल है, मोनालिसा को कहा जाता है।
अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? बहुत ही सिंपल है, इटली के थे, लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने ही बनाया था। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित में से क्या दर्शाया गया है? देवदूत, गिरजाघर, इमारतों की गली या दृश्य चित्र? मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दर्शाया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दृश्य चित्र। क्या हो जाएगा? दृश्य चित्र। आगे देखेंगे, मोनालिसा संग्रहित है म्यूसी द लूब्र पेरिस में, फ्लोरेंस में, मेट्रोपोलियन म्यूजियम न्यूयॉर्क में या लंदन म्यूजियम में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है म्यूसी द लूब्र पेरिस में, ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, लियोनार्डो का जन्म हुआ था 1457 ईस्वी में, 1452 ईस्वी में, 1460 ईस्वी में, 1552 ईस्वी में? याद रखना, देखिए माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना आप लोग कि ये किस वर्ष पैदा हुए थे, सवाल पूछा जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1452 ईस्वी। आगे देखेंगे, सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? सिस्टीन मैडोना को किसने चित्रित किया? लियोनार्डो ने, बेतचेल्ली ने, रैफेल ने या मसेचियो ने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रैफेल ने। आगे देखेंगे, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं रेम्ब्रा, मुंक, टिसियन या रैफेल? स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रैफेल हैं। आगे देखेंगे, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? जियोर्जियान की, वान गाग की, पिकासो की या ब्राक की? द टेम्पेस्ट किसका चित्र है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जियोर्जियान की। आगे देखेंगे, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन था? ये तो बहुत ही सिंपल है, डेविड की मूर्ति माइकल एंजेलो के अलावा भी एक लोग ने बनाई है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीना तोल्यो ने। तो डेविड की मूर्ति आपने देखा था कि माइकल एंजेलो ने भी बनाया था, जो कि 17 फुट थी, इसके अलावा दीना तोल्यो ने भी डेविड की मूर्ति बनाई है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और देखते हैं आज का 39 नंबर का सवाल, फ्रा एंजेलिका किस शैली का चित्रकार था? फ्रा एंजेलिका किस शैली का चित्रकार था? बरोक का, नव क्लासिक का, पुनर्जागरण का या पूर्व रेफेलाइट का? फ्रा एंजेलिका किस शैली का चित्रकार था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुनर्जागरण काल का। और आज का आखिरी सवाल देखेंगे हम, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? मैसेचियो, फिलिप्पो लिप्पी, पाओलो उच्चेलो या आंद्रे देल कास्तेरंगो? बहुत अजीब नाम होते इटली वालों के। तो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैसेचियो। तो इस प्रकार आज हमने 40 प्रश्न किए, और ये 400 प्रश्न जो हैं आपके वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सही हुए होंगे। कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। जिन लोगों को नोट्स बुक करना है, कंप्लीट नोट्स या कंप्लीट कोर्स चाहिए या टेस्ट ज्वाइन करना है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9616826746 पर, संपूर्ण जानकारी उनको दे दी जाएगी। आज रात 9 बजे का लाइव क्लास होगा, आप लोग उसको मत छोड़ना। मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद।